आपका क्वेश्चन है, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 × 10⁶ क्रिस्टल्स, हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन नंबर 1 5 kg ऑफ शुगर, नंबर 2 1.2 kg ऑफ शुगर। नाउ तो व्हाट दे हैव गिवन दैट वी विल राइट फर्स्ट। फर्स्ट ये क्या है आपका, देखो 2 kg, दैट मीन्स इट्स अ मास, और यू कैन से मास और वेट। तो यहां पर हमने लिख दिया मास, ठीक है, और यहां पर देखो क्या दिया है, क्रिस्टल्स, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, तो वी विल राइट हियर क्रिस्टल्स और एन नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट क्या दिया है इसने, 2 kg, तो दिस इज योर 2 kg एंड द क्रिस्टल्स आर 9 × 10⁶ क्रिस्टल्स। ठीक है, नाउ अब देखो क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, फर्स्ट इसने पूछा है 5 kg, तो वी विल राइट हियर 5 kg एंड क्रिस्टल्स वी हैव टू फाइंड आउट। तो व्हाट वी विल डू, जस्ट वी विल राइट हियर, दिस इज योर मास, वी विल राइट हियर m1, दिस इज योर m2, दिस इज नंबर, वी विल राइट इट एज n1, एंड जो हमको फाइंड आउट करना है दैट इज योर m2। नाउ रेशियोस आपके कैसे होंगे, देखो m1 / n1, m1 क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा होगा तो ज्यादा क्रिस्टल, कम होगा तो कम क्रिस्टल, तो m1 / n1 दैट इज इक्वल टू m2 / n2। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज हियर, तो देखो क्या आएगा आपका, 2 / n1, n1 इज 9, 9 × 10⁶ दैट इज इक्वल टू m2, कितना पूछा है उसने, 5, वी विल राइट हियर 5 / n2, और यू कैन से नाउ भी आपका सिर्फ सिंगल है n, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो ये आपका देखो क्या आ गया, 2n इज इक्वल टू 5 × 9 × 10⁶। सो व्हाट इज योर n, वी कैन राइट दैट n इज इक्वल टू, वी कैन से 45 × 10⁶ / 2, दैट इज इक्वल टू वी कैन से 22.5 × 10⁶। ठीक है, तो बट दिस इज, ये इतने तो आपके क्रिस्टल्स हो गए, बट दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, 2 के बाद ही पॉइंट आना चाहिए, दैट मीन्स अब हम इसको कन्वर्ट करें, देखो क्या हो रहा है आपका, पहले इसको लिख लो 225/10, 225/10 × 10⁶। नाउ देखो 10 कट कर दिया और 6 की जगह पे वी हैव रिटर्न 5। नाउ तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं 2.25 × 100, 2.25 × 100, दिस इज इक्वल टू 225 × 10⁵, दैट इज इक्वल टू वी कैन से 2.25 × 5 जीरोस इधर है +2 इज 7 जीरोस, 10⁷ क्रिस्टल्स। ठीक है, तो आपको इसको इस तरह से करना है। नेक्स्ट देखो 1.2, तो इंस्टेड ऑफ दिस 5 है ना, ये 5 की जगह पे वी विल पुट 1.2, तो यहां पर आपका आ जाएगा 1.2। नाउ नाउ सेम देखो, सेम करना है आपको, क्या है देखो 9 × 2 क्रॉस करो, तो आपका आ गया 2n इज इक्वल टू 18, 1 कैरी, 10
0.8 into 10 to the power of 6. तो ये क्या हो गया, देखो n is equal to we can say 5.4 है ना, 10.8 divided by 2 is 5.4 into 10 to the power of 6 crystals. ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है, तो इसको आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं. ठीक है,